नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आप लोगों के लिए जो आज वीडियो लेकर आया हूँ वो हमारा टॉपिक्स है 524 मॉड्यूल। ये 524 मॉड्यूल जो जितना इजी है लगाने में वो उतना ही डेंजरस है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें ज़रा सा मिस्टेक से मदरबोर्ड पैनल बैकलाइट तक ख़राब हो जाता है। तो इसमें जो मैंने ट्रिक बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। ये 524 का जो मॉड्यूल आता है इसमें एक प्रीसेट लगी हुई रहती है जिससे हम लोग वोल्टेज एडजस्ट करते हैं, 5 से लेकर 24 वोल्ट तक ये एडजस्टमेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि ये हम लोग एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन जैसे ही हम लोग इसे फिट करते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि इसका प्रीसेट हल्का सा भी अगर मूव हो जाए या लूज़ हो तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़कर सीधा 12 के जगह 30-40 वोल्ट तक बूस्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मदरबोर्ड पैनल इन्वर्टर सभी कुछ उड़ जाता है। तो इसलिए इसमें हमें करना ऐसा है कि प्रीसेट को हमें निकाल लेना है और प्रीसेट निकाल कर हमें वहाँ पे 5K का रेजिस्टेंस लगा लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 5K का दो पेयर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो उसे लगा लेना है। और उसके बाद आप लगाने के बाद आप चेक करेंगे तो वोल्टेज बिल्कुल ही आपको आउटपुट में जहाँ 12 वोल्ट है वहाँ 12 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीसेट निकाल लेना है, वहाँ पे आपको 10K के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में या 5K का रेजिस्टेंस लगाना है। देखिए हम लोगों ने वही किया है, अभी आपको हम लोग दिखा रहे हैं वोल्टेज चेक कर कि क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट लगभग कम्प्लीटली बन चुका है बिना कोई वेरिएशन के, देखिए। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही है कि इसमें आप लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि ये मॉड्यूल को लगाना बहुत ही डेंजरस है बिना आपके रेजिस्टेंस के। अगर आप प्रीसेट के माध्यम से इसमें वोल्टेज वेरिएशन को सेट करके रख देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही घातक होगा और ये वोल्टेज 12 के जगह 40 वोल्ट तक भी दे देता है। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का कुछ यूज़फुल वीडियो जो है मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। थैंक यू।